हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंडियन लॉ एकेडमी। आज हम बात करने वाले हैं निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1981 का बहुत इम्पोर्टेंट सेक्शन के बारे में, और बहुत कहना चाहिए कॉमन लाइफ में या जनरली हमारी लाइफ में ये यूज होने वाला, बहुत ज्यादा यूज होने वाला ये सेक्शन है, और जिसे हमें हर पर्सन को जानना ही चाहिए, जिसका भी बिजनेस है या जिसका भी बैंक से बिजनेस पर्पज के लिए कोई भी ट्रांजैक्शन होता है या कोई भी काम पड़ता है, तो उन लोगों को इस बारे में पता होना चाहिए। जैसे कि सेक्शन 138, चाहे बिजनेसमैन हो या कॉमन मैन हो, सबको पता होना चाहिए। तो सेक्शन 138 जो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1981 का, वो बात करता है रिजेक्शन के बारे में, जो चेक होता है चेक रिजेक्शन के बारे में, जो लायबिलिटी से ज्यादा चेक मतलब कोई अगर अपने अकाउंट में काट देता है, मान लीजिए उसके अकाउंट में उतना बैलेंस नहीं है। इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि ए ने बी को चेक दिया, और जो ए ने बी को चेक दिया वो 50,000 रुपए अमाउंट का है, लेकिन उसके अकाउंट में 50,000 रुपए नहीं है, वो कम है, 50,000 से कम है, मान लीजिए 40,000 है या 45,000 है, लेकिन वो इस वजह से चेक बाउंस हो जाता है। बाउंस होना मतलब चेक रिजेक्ट हो जाता है, बैंक में बैंक वाले जो होंगे वो लोग मना कर देते हैं इस तरह के चेक को पास करने के लिए या अमाउंट देने के लिए उस पर्सन के अकाउंट से, क्योंकि उसके अकाउंट में उतना बैलेंस है ही नहीं जो जितनी उसने लायबिलिटी या पे की है, जितनी उसकी लायबिलिटी के हिसाब से उसने पेमेंट किया है अपने चेक के द्वारा। ठीक है, फिर हम इसके बारे में एक ये जनरल कॉमन बात है, हम इसका सबसे पहले मीनिंग समझ लेते हैं कि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या होता है, इसे किस पर्पज के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये तो हमने जान ही लिया कि ट्रांजेक्शन पर्पज के लिए होता है, सिंपल ही है। और इसमें जो डिलीवरी होती है वो जो लायबिलिटी होती है ए की, जैसे टॉवर्ड्स बी के लिए थी, तो उस वजह से उसने उसके लायबिलिटी की वजह से ही उसको चेक काट के दिया या चेक दिया। अब हम निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 का है ये, और रेगुलेट्स द डिफरेंट टाइप्स ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स। ये अलग अलग तरीके के निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स होंगे, उन्हें रेगुलेट करता है। जैसे प्रॉमिसरी नोट्स होते हैं, प्रॉमिसरी नोट से मतलब होता है कि आप अगर किसी से प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो उसे एक प्रॉमिसरी नोट दे देंगे, या चेक जो होता है वो भी एक तरह का प्रॉमिसरी नोट होता है। प्रॉमिसरी मतलब प्रॉमिस करता है वो कि मैं इस पर्सन को अपनी लायबिलिटी मेरे ऊपर जो है वो मैं इस चेक के माध्यम से पूरी कर रहा हूँ, इससे मतलब ये होता है। फिर बिल ऑफ एक्सचेंज कह लीजिए, दूसरा नेक्स्ट होता है, नेक्स्ट जो इसे समझेंगे अलग तरीके, अलग इसका जो मीनिंग निकल के आता है वो है बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड चेक्स। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज मतलब जो चेक के माध्यम से बिल भी, तो बिल जो हमारे ऊपर लायबिलिटी है वो हम बिल ऑफ एक्सचेंज के माध्यम से उसको चुका रहे हैं, मतलब यहाँ ये है। अब यहाँ पे इसका सही मीनिंग अगर हमें जानना है तो इसको हम प्रॉमिसरी जो नोट है वो सेक्शन 13 में बात की जा रही है, कि सेक्शन 13 बात करता है प्रॉमिसरी नोट्स के बारे में कि वो होते क्या है। अब हम उसे डिटेल में देख लेते हैं थोड़ा। जैसे सेक्शन 13 जो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1981 का है, वो बात करता है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मीन्स ए प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक पेएबल आइदर टू ऑर्डर और टू बियरर, चाहे ऑर्डर हो या बियरर हो उसके ऊपर लायबिलिटी बनती हो, तो वो इस हिसाब से भी चेक के माध्यम से अपनी लायबिलिटी देता है या बिल ऑफ एक्सचेंज करता है। दस निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इन सिंपल टर्म्स मींस एनी रिटर्न डॉक्यूमेंट। इसे सिंपल टर्म्स में अगर हम जाने तो एक तरह का रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है। जैसे किसी ने भी अगर देखा हो अपनी कॉमन लाइफ में, जो बिल ऑफ एक्सचेंज कहा जाता है, जो ये चेक होता है, और चेक में वो पेबिल किया जाता है कि ए बी को पेबिल कर रहा है अपने अकाउंट से पैसा, तो वो उसमें उसका नाम लिखा जाता है चेक में कि वो किसको दिया जा रहा है और किसकी तरफ से दिया जा रहा है, वो भी उसमें लिखा जाता है कि ए जो है चेक दे रहा है या लायबिलिटी पे कर रहा है किसको, टॉवर्ड्स बी को, तो वो चेक में नाम दोनों पार्टीज के दिए जाते हैं, और ज्यादातर दो पार्टी से कम तो होंगी ही नहीं बिल ऑफ एक्सचेंज के लिए, क्योंकि एक के ऊपर लायबिलिटी बनती है और दूसरा जो लायबिलिटी जिसके ऊपर बनती है वो पहला वाला उसे दे रहा होता है, तो इस वजह से यहाँ पर दो पार्टी होनी जरूरी है।
फिर उस दो या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, पूरा ग्रुप भी हो सकता है, ठीक है। या जैसे फर्म वगैरह होती है या कोई कंपनी होती है, उसके नाम भी चेक काटे जाते हैं या चेक दिए जाते हैं। और बिल ऑफ एक्सचेंज की, उसमें हम पनिशमेंट के बारे में बात करेंगे कि इसमें कितना पनिशमेंट होता है और कितना मान लीजिए फाइन इम्पोज किया जाता है कोर्ट के द्वारा। अगर कुछ टाइम भी दिया जाता है, अगर उस टाइम तक, टाइम लिमिट तक वो चेक में जितनी अमाउंट दी गई है वो बैंक में जमा नहीं की जाती, तो फिर उसके बाद जो है पनिशमेंट का प्रोसीजर चलता है और साथ ही साथ कॉम्पनसेशन भी दे सकती है कोर्ट। ये कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर पर डिपेंड करता है कि जिस पर्सन के ऊपर लायबिलिटी है और जिसको उसे वो लायबिलिटी फुलफिल करनी है, जिसके प्रति अगर उसको ज्यादा नुकसान हुआ है तो उस हिसाब से कॉम्पनसेशन कोर्ट फिक्स करती है अपनी डिस्क्रिशनरी पावर के हिसाब से भी, और उस पर्सन के सेकेंड पार्टी जिसके जिसको चेक दिया जा रहा है उसके नुकसान की भरपाई करने के वजह से भी, कि कितना उसे नुकसान हो रहा है उसके चेक में सही अमाउंट या उसके अकाउंट में सही पूरी अमाउंट चेक के हिसाब से ना होने की वजह से। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन या इम्पॉर्टेंट सेक्शन है और ये कॉमन लाइफ में बहुत इस्तेमाल में आता है, तो इसलिए इसके बारे में हमें पता ही होना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि इसको जो है फ्रॉड के नजर से भी देखा जाता है। जैसे ए ने बी को लायबिलिटी देनी है 50,000 की, जैसे हमने एक पहले भी एग्जांपल देखा था, हम उसी से समझ लेते हैं कि ए ने बी को लायबिलिटी देनी है, पैसे देने हैं 50,000 रुपए और उसके अकाउंट में 40,000 है या 45,000 है, 45,000 है, 50,000 से कम है, तो वो जो लायबिलिटी है वो पूरी तरह से फुलफिल नहीं कर पा रहा है। तो एक तरह से उसने ए ने बी के प्रति फ्रॉड भी किया, क्योंकि वो उसको चेक दे देता है लेकिन वो उसे जो है अमाउंट पूरी नहीं होने की वजह से वो वापस भी वो उसको पूरी लायबिलिटी नहीं चुका पाएगा। तो यहाँ पे अगर किसी का ये फ्रॉड है या नहीं है, ये केस या फैक्ट टू फैक्ट देखा जाता है कि उस पर्सन का इसके पीछे इंटेंशन क्या था। सच में ए का बी को जो लायबिलिटी दे रहा है उसका इंटेंशन जो है फ्रॉड कमिट करना है कि नहीं है, ये जो केस के फैक्ट होंगे या केस के जो एविडेंसेस होंगे उससे प्रूव किया जाएगा कोर्ट को प्रोसीजर के टाइम, ठीक है। अब यहाँ हम बात कर लेते हैं इसको सेक्शन एक कोर्ट केस के माध्यम से समझ लेते हैं कि जस्टिस विभू बकरू ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट ऑब्जर्व दैट द कंप्लेंट रिगार्डिंग सेक्शन 138 ऑफ द निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट द चेक अमाउंट एक्सीडेड द लायबिलिटी। अगर जो चेक अमाउंट है वो लायबिलिटी से ज्यादा हो रही है या जितनी उसकी लायबिलिटी है उससे ज्यादा चेक अमाउंट है, तो तब भी वो चेक बाउंस हो जाएगा या उसके अकाउंट में जिसने चेक दिया है उसके अकाउंट में इतना बैलेंस नहीं है जितना कि उसके उस पर लायबिलिटी बनती है, तब भी ये क्या हो जाएगा, चेक बाउंस हो जाएगा या रिजेक्ट हो जाएगा। बाउंस होने से मतलब होता है चेक रिजेक्ट होना, इसको लीगल लैंग्वेज में चेक बाउंस होना भी कहते हैं या कॉमन लैंग्वेज में इसको बोलते हैं चेक रिजेक्ट किया जाना। तो जो बैंक के जो वो होंगे, बैंक इसको हमेशा रिजेक्ट कर देता है, एंड सो गॉट रिजेक्टेड बाय द ट्रायल कोर्ट, और साथ के साथ जो ट्रायल कोर्ट होगा वो भी रिजेक्ट कर देगा। द कोर्ट फाउंड नो रीजन टू इंटरफेयर विद द डिसीजन ऑफ द ट्रायल कोर्ट, ठीक है। कोर्ट ने ये नहीं माना कि उसको विद द डिसीजन ऑफ द ट्रायल कोर्ट के में इंटरफेयर करना चाहिए, ट्रायल कोर्ट के डिसीजन में। कोर्ट ये भी मानता है कि कोई रीजन उसको नहीं मिला कोर्ट को, ठीक है। पिटिशनर स्टार की लेबोरेटरीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड एलिज दैट सर्टेन मटेरियल्स वर सप्लाइड बाय पिटिशनर टू द रेस्पोंडेंट संजय गुजराल एंड ए चेक वॉज गिवन बाय द रेस्पोंडेंट टू द पिटिशनर। द अमाउंट टू बी गिवन बाय द रेस्पोंडेंट वॉज रेट्स 1,40,569 अमाउंट का चेक रेस्पोंडेंट उसको दिया जाता है पिटिशनर को, एंड द पिटिशनर हैड वेटेड लॉन्ग फॉर ए पीरियड ऑफ 2 years, और पिटिशनर ने 2 साल तक वेट किया टू मेकअप टू रेट्स 2 lakh अप्रोक्सीमेटली पिटिशनर फाइल्ड ए कंप्लेंट। तो इस वजह से कॉम्पनसेशन कह लो या अपने नुकसान की भरपाई के लिए जो पिटिशनर था उसने 2 लाख रुपए के लिए केस फाइल किया, कोर्ट केस फाइल किया कि कम से कम 2 लाख रुपए मिलने चाहिए, जबकि लायबिलिटी बनती थी जो
रेस्पोंडेंट था उसके ऊपर जो लाइबिलिटी बनती थी वो बनती थी 1,49,569 रुपीज की। लेकिन उसने जो अप्रोक्सीमेटली जो वो केस कोर्ट केस फाइल किया वो 2 लाख रुपीज के लिए किया। द मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट रिजेक्टेड द कम्प्लेन ऑफ द पिटिशनर, पिटिशनर की जो कम्प्लेन थी उसको रिजेक्ट कर देता है रिलेटेड टू सेक्शन 138 निगोशिएबल एक्ट में जो पिटिशनर फाइल करता है। ए पिटिशन वॉज फाइल्ड बिफोर दिल्ली हाई कोर्ट वेयर द कोर्ट नोटेड एंड डिमांड, ये पिटिशनर दिल्ली हाई कोर्ट में फाइल की जाती है। फिर द ट्रायल कोर्ट हैड नोटेड दैट देयर वॉज नो कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट वेयर बाय द रेस्पोंडेंट हैड एग्रीड टू पे एनी इंटरेस्ट, उसमें ये माना जाता है ट्रायल कोर्ट में की कोर्ट प्रोसीडिंग में ये माना जाता है कि जो ये ऐसा कोई भी पॉइंट नजर नहीं आ रहा है जिसमें रेस्पोंडेंट ने पैसे देने के लिए या पेमेंट करने के लिए कोई इंटरेस्ट दिखाया हो। अगर फ्रॉड हुआ या चेक बाउंस होने के बाद कोई भी इंटरेस्ट ऐसा नहीं दिखाया रेस्पोंडेंट ने तो यहाँ पे ये भी चीज कोर्ट के सामने आती है कोर्ट प्रोसीजर के टाइम। इन द अफोरसेड व्यू द पिटिशनर हैड बीन अनेबल टू एस्टैब्लिश दैट द चेक 2 लाख रुपीज, 2 लाख रुपीज का जो चेक था वो रेस्पोंडेंट ने क्या किया उसको देने के लिए कहा गया। लेकिन पिटिशनर ने कहा कि इस तरह का कोई जो चेक है उसके लिए पिटिशनर ने कोर्ट से अनेबल होने के लिए कहा, हैड बीन इश्यूड बाय द रेस्पोंडेंट, जो कि रेस्पोंडेंट ने इश्यूड किया अगेंस्ट एनी सच लायबिलिटी, किसी लायबिलिटी के अगेंस्ट। इवन इफ इट इज एक्सेप्टेड देन द सम ऑफ 1,49,569 वॉज ड्यू फ्रॉम द रेस्पोंडेंट, अगर ये एक्सेप्ट कर लेता है पिटिशनर को रेस्पोंडेंट के ऊपर वो ड्यू बनेगी लायबिलिटी बनेगी एज ऑन 11th of 10, 2012 को एज डिपोज्ड ऑन बिहाफ ऑफ द पिटिशनर। तो इस डेट ये कोर्ट ने डेट फिक्स की कि इस डेट को पिटिशनर को वो जो अमाउंट होगा वो जमा करना पड़ेगा बैंक में के माध्यम से उसे देना पड़ेगा, जो लायबिलिटी उसकी बनती है पिटिशनर को देना पड़ेगा। द लायबिलिटी ऑफ रेट्स 2 लाख रुपीज वॉज नॉट इस्टेब्लिश, ये इस्टेब्लिश नहीं हुआ। दिस इज वन ऑफ द टॉप लीगल जजमेंट, ये एक टॉप लीगल जजमेंट है और इस जजमेंट का जो पूरा नाम है वो संजय गुराल स्टार की लेबोरेटरीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ये पिटिशनर थी और जो इसमें रेस्पोंडेंट थे वो संजय गुजराल थे। तो ये काफी इम्पोर्टेंट जजमेंट है। अब इसमें हम एक चीज और समझ लेते हैं कि इसमें कितनी सजा होगी ये हम देख लेते हैं। इसमें जो पनिशमेंट का प्रोविजन दिया गया है वो दिया गया है ए टर्म विच मे बी एक्सटेंडेड टू 2 ईयर्स, मतलब वो जो टर्म होगी पनिशमेंट की वो 2 साल तक बढ़ा दी जा सकती है, ये कोर्ट के डिसीजन पर या फैक्ट टू फैक्ट केस के फैक्ट टू फैक्ट डिपेंड करता है और जो है कि कोर्ट को समझ मतलब कोर्ट के सामने एविडेंस है उस हिसाब से कोर्ट इसको बढ़ा भी सकता है, ठीक है, एक्सटेंडेड टू 2 ईयर्स, 2 ईयर्स तक बढ़ा सकता है और विद फाइन, और फाइन भी इम्पोज कर सकता है कोर्ट अगर चाहे तो। बीच में एक्सटेंड टू 2x द अमाउंट ऑफ द चेक और विद बोथ, मतलब जो अमाउंट होगा जो फाइन होगा वो मतलब डबल भी हो सकता है उस अमाउंट के जो कि चेक में दी गई है, और विद बोथ मतलब दोनों भी, मतलब पनिशमेंट भी दिया जा सकता है फाइन भी दिया जा सकता है, ये केस के फैक्ट पर और केस के जो एविडेंसेस होंगे उस पर डिपेंड करेगा। आज के लिए इतना ही, और अगर सबसे बड़ी बात यहाँ पे हम कंक्लूजन में ये जान लेते हैं कि एक तरह से ये सिक्योरिटी के लिए दिया गया है, ये जो प्रोविजन है इसमें हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड की जा रही है जिससे कि जो फ्रॉड होते हैं इस तरह के या जो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से जो फ्रॉड होते हैं होने के चांसेस हैं या चीटिंग होने के चांसेस हैं या किसी को परेशान करना बेवजह परेशान करना, तो इस तरह से ये हेल्प करने के लिए एक तरह का मैकेनिज्म है जो कि पेमेंट से रिलेटेड मैकेनिज्म होगा। और इसमें जो है
ये मैकेनिज्म बहुत जो बिजनेस पर्पस के लिए भी और जो आम लोगों की जिंदगी में बहुत ज्यादा काम आने वाला है, इसलिए यहाँ पर सिक्योरिटी दी जा रही है। और यहाँ पर सेक्शन 138 निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में इसमें अमेंडमेंट भी हुआ, जो कि 1986 में अमेंडमेंट किया गया, और जिसमें इसको और ज्यादा स्ट्रांग बना दिया गया, क्योंकि आजकल साइबर क्राइम भी बहुत ज्यादा हो रहे हैं और इसको एक तरह से क्रिमिनल ऑफेंस माना गया, क्योंकि इसमें फ्रॉड और चीटिंग होने के भी चांसेस रहते हैं, इसलिए इसको क्रिमिनल ऑफेंस माना गया, ना कि सिविल ऑफेंस। और ये पहले ही मतलब पहले से ही दिखता है, देखने से ही पता चलता है कि कहीं ना कहीं उसमें जो रेस्पोंडेंट होगा तो उसकी यहाँ पे जरूरी है कि उसकी मंशा जो है सही ही है, वो यहाँ पे फ्रॉड भी कमिट कर सकता है, इसलिए इसको क्रिमिनल ऑफेंस की कैटेगरी में माना गया। आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा ये टॉपिक पसंद आया हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि आपको मेरे करंट नोटिफिकेशन मिलते रहें और जो भी मैं वीडियोस डालूं तो आपको वो मिलती रहे, टाइम टू टाइम मिलती रहे। और अगर आपको किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो मुझे प्लीज कमेंट करके बताएं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।